नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक में एक बार फिर सियासी संकट सामने है और इस बार का संकट काफ़ी गहरा है। इससे पहले भी कम से कम दो ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस या जेडीएस के विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं या सरकार को संकट में डालने की कोशिश की है, और हर बार जेडीएस नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमान ने मिलकर के उनको मनाया है, उनको मलाईदार विभाग दिए हैं और किसी तरीके से उस सियासी संकट को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार का सियासी संकट मैं सबसे ज़्यादा गहरा क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि इस बार कांग्रेस के 8 विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है और 3 जेडीएस के विधायकों ने अपनी सदस्यता से स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया है। 2 अन्य ने भी उनका अनुसरण किया है, यानी 224 के सदन में 14 विधायकों ने और सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने अगर अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो सदस्यों की संख्या है और जो बहुमत के लिए एक जरूरी जादुई आंकड़ा होता है उसमें अब आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। और इस पूरे संकट के पीछे कौन है, किसने ये रणनीति बनाई है और क्या कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार बच सकती है या बचने का कोई रास्ता उसके सामने क्या अभी कोई बचा हुआ है? कांग्रेस के भी तमाम वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के जो उनके प्रभारी हैं वेणुगोपाल, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे भी बेंगलोर पहुंच रहे हैं और इस पूरे सियासी संकट को टालने की हर संभव कोशिश हो रही है। इसी तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी अमेरिका में थे, जो अपनी अमेरिका की यात्रा बीच में रद्द करके वापस बेंगलुरु लौट रहे हैं। तो क्या ये सियासी संकट इतना गहरा है कि इस बार इसको टालना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, या वो एक बार फिर कुमारस्वामी सरकार को उबारने में सफल हो जाएंगे और जो नाराज विधायक हैं उनको मनाने में कामयाबी उनको मिल जाएगी? जो प्रश्न मैंने अभी किया था कि इस पूरे सियासी संकट के पीछे आखिर कौन है, प्रत्यक्ष तौर पर लगता है कि खुद कांग्रेस के भीतर ही संकट है और कांग्रेस का ही एक धड़ा नहीं चाहता है कि कुमारस्वामी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने रहें। कई विधायकों ने प्रत्यक्ष तौर पर यह कहा है कि वो सिद्धारमैया को एज चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उन्होंने हाईकमान से इस बारे में कई बार कहा है कि हम JDS को आगे समर्थन नहीं देंगे, लेकिन हाईकमान की भी अपनी मजबूरी है क्योंकि HD देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी बिना शर्त मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने को तैयार हुए थे जब मई 2018 में किसी भी दल को कर्नाटक में बहुमत नहीं मिला था। और अगर कांग्रेस अब अपने पैर पीछे खींचती है और वहाँ नेतृत्व परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का दबाव उन पर डालती है तो ये तय मानिए कि JDS अपने हाथ खींच लेगी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो सवाल है कि कर्नाटक में आगे होगा क्या? फौरी तौर पर रात को जितने भी बागी विधायक हैं उनको स्पेशल प्लेन से मुंबई ले जाया गया है और 2 अलग अलग जगह उनको ठहराया गया है। जो स्पीकर हैं, जिस समय विधायक अपने इस्तीफे देने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे उस समय वो वहां से नदारद थे, यानी जान पूछ करके वो विधायकों के इस्तीफे अपने हाथ से स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और जैसे ही उनको ये भनक लगी थी कि कुछ JDS और कांग्रेस के विधायक अपनी सदस्यता छोड़ रहे हैं, इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, तो वो कार्यालय से चले गए थे। हालांकि वो कह रहे हैं कि रविवार को छुट्टी है, सोमवार को पूर्व निर्धारित कुछ कार्यक्रमों में बिजी हैं, इसलिए उनके इस्तीफों पर फैसले अब वो मंगलवार को करेंगे। तो प्रश्न ये है कि स्पीकर क्या जानबूझ करके इस मामले को लटकाए हुए हैं ताकि कांग्रेस हाईकमान और JDS किसी तरीके से उनको मना लें
और ये जो संकट इस समय आ गया है कुमार स्वामी की सरकार पर, इसको किसी तरीके से एक बार फिर मैनेज करके टाला जा सके। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने ये कहा है कि हम सरकार बनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका इंतजार करेंगे। तो प्रश्न यही है कि ये जो सियासी संकट शुरू हुआ है, और मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है, कहीं भारतीय जनता पार्टी ही तो इस बार पूरी योजना के साथ कुमार स्वामी सरकार को धराशाही करने की रणनीति बना करके तो आगे नहीं बढ़ी है। क्योंकि आपको याद होगा कि मई 2018 में जब कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी और जेडीएस को 38 सीटें मिली थी। एक विधायक बीएसपी का जीत करके आया था और 4 निर्दलीय एमएलए जीत करके आए थे। त्रिशंकु विधानसभा थी, कोई एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला किया था कि 38 सीटें जीतने वाली जनता दल एस के किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और हाल ही में आपको याद होगा एचडी देवगौड़ा जब कांग्रेस पर बरसे थे और उन्होंने कहा था कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले कांग्रेस, हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम सरकार बनाएं और चलाएं, क्योंकि ये सरकार बिना शर्त समर्थन से बनी थी। और तब सोनिया गांधी इस बात के लिए एडामेंट थी कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, और तब उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया था। अब ऐसी स्थितियां हमारी सरकार के सामने खड़ी की जा रही हैं कि सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। और ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार हुआ है जब एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी दोनों कांग्रेस से नाराज दिखाई दिए हैं, उनके तौर तरीकों को लेकर के गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। और सार्वजनिक सभाओं में कम से कम दो मौके ऐसे याद मुझे आ रहे हैं जब मुख्यमंत्री कुमार स्वामी रोते हुए दिखाई दिए थे माइक पर और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके दल में भी और कांग्रेस के भीतर भी जिस तरह से असंतोष की ये ज्वाला फूट पड़ी है, क्या इसको वो किसी तरीके से मैनेज कर पाएंगे? और कुमार स्वामी चूंकि अमेरिका से लौट रहे हैं, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि वो आगे मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे भी या नहीं बने रहना चाहेंगे। क्योंकि इस बार उनके दल से तो केवल 3 विधायक इस्तीफा देने के लिए सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस के तो कम से कम 8 एमएलए स्पीकर के पास पहुंचे हैं और अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहते हैं। सदस्यता से इस्तीफा देने का मतलब ये है कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे। और अगर 14 विधायक अचानक विधानसभा की सदस्यता से बाहर जाते हैं तो 224 के सदन में ये आंकड़ा 210 का बैठता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 104 विधायक हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर उसे सरकार बनाने में और बहुमत साबित करने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि 104 सदस्य उनके पास हैं और उनको एक दो निर्दलियों का अगर साथ मिल जाता है तो वो सरकार का बहुमत साबित कर देंगे। देखना यही है कि कर्नाटक की इस सियासत का जो इस समय चल रही है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।